बेचल राए, शासन देके बांध चलाए, लोचन बहुत विमोचत बारे, अश्रु गिरै युत कज्जल कारे, परते मारे बेचल राए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप, गुरु सवारे, गुरु प्यारे, सतगुरां दे साजे नवाजे, गुरु का खालसा, साध संगत माई भाई जी, धन हन बाजां वाले प्रीतम प्यारे परम पिता सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज, दीन दुनिया दे राखे, लोक परलोक दे विच पद ढक्कण वाले, जिन्हां सतगुरां दे महान परोपकार दा सदका, रहमत दा सदका, दया दा सदका, गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज दे चरण परसण दा अते सतगुरां दे सोहणे दर्शन करन दा सुभाग समां प्राप्त हो रहा है। ये वड्डियां भागां वाले गुरमुखां गुरसिखां माई भाई दी निशानी है, जिस नूं सच्चे पातशाह महाराज अपने चरणों में बैठण दा थां दिंदे है, दर्शनां दा सुभाग बख्शिश करदे हन। सो आप सारियां संगतां वडभागे हो रहे हो जो सतगुरां दे चरण परस रहे हो। गुरु जी भी यह जे जिन्हां दा सानी कोई होवे ही ना, दसां पातशाहियां दे विच शरीर सरूप धारण करके प्रगट होए तां कोई बराबरता नहीं कर सकदा। जे दसां सरूपां दी एक आत्मक जोत विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे नाम विच प्रगट होए होण, ते ऐसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी भी बराबरता दुनिया दे विच सारे धर्म ग्रंथ मिल के भी नहीं कर सकते। धन कलगीधर पातशाह महाराज दया करते हैं, इस वास्ते कवि जी लिखते हैं, कहिंदे गुरु जी की लोड़ होवे गुरु भी अजिहा होवे जैसे दशमेश माता गुजरी दे लाल जी, बाल परिवार चौहां बच्चियां कुहाए देवे, देश कौम युतों कुर्बान वाल वाल जी, अमृत दा सोमा होवे तबदियां नूं ठार देवे, संतां दा सहाई अते प्यारियां दी ढाल जी, सारी रात पहरा देवे आप चौंकीदार हो के, पाप अग विचों लवे सिख नूं निकाल जी। जिथे गंदे थाओं ते जाना ही सोचना ही हर गुरसिख वास्ते वड्डा पाप मन्या जांदा है। जे किते होमे दे विच आके भुल के सिख इह जे पाप अस्थान ते चला जावे ते गुरु भी ओ कुंभी नरक विच जाण तों संकोच नहीं करदे, डंडा लैके जाके अपने प्यारे नूं बचा लैंदे हन। किहड़ा किहड़ा ओ गुण है जिहड़ा कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह महाराज का वर्णन किया जाए। संसार ते इन्ने अनाथ बच्चे है जिन्हां दा अंत ही कोई नहीं आउंदा है। तीन तरह के मनुख मन्ने जांदे है, एक मनुख हन, एक इस्त्रियां हन, एक हिजड़े है, ना मनुख होंदे ना इस्त्री सरूप दे विच होंदे है। बहुत ऐसे संसार दे विच ओ माड़े कर्मां वाले जीव हन जिन्हां नूं अपना कहण वाला संसार ते कोई नहीं हुंदा, पर धन कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह महाराज निथावियां दे थां महान जी दा कोई नहीं हुंदा। बेकसारा यार गुर गोबिंद सिंह, ओदे यार, ओदे मित्र, ओदे पिता, ओदे माता, ओदे भैण भरा सारा कुछ ही बन जाते हैं। जेड़ा दिल तो कह दे हे सच्चे पातशाह महाराज,
मेरा संसार ते कोई नहीं है, मैं इकला ही रुलदा फिरदा धक्के खांदा फिरदा, महाराज मेरी बाँह फड़ो बौड़ी दुहाई देवे। तो सच्चे पातशाह मेरी बाँह ही नहीं फड़दे, बाँह फड़ के उन्हूं अपनी गोदी विच बिठा के माण तान बख्शिश करदे। ये दसाई पातशाहियां दी माण मर्यादा चली आई। श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज तो लैके कलगीधर साहब गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी तक किसी सरूप दे विच सुथरा बन गया। कोई माँ नहीं बाप नहीं, कुआरी माता ने जान के ते थोड़ा रहम कर लिया। कुत्ती ने बच्चे दिते हुए सी, उत्थे ले जा के बच्चा सुट दिता। तो गुरु शिकार गए, बच्चे दे रोण की आवाज़ आई। गुरसिखा ने देखा कुत्ती दे बच्चों दे विच एक बच्चा पिया होया रो रहा है। महाराज नूं बेनती की, महाराज बच्चा फलां जगह रो रहा है। गरीब नवाज कहन लगे लियाओ चक्के। कहिंदे महाराज तो गंदा ही बाला ज़्यादा हैगा। सच्चे पातशाह कहिंदे नहीं तो सुथरा ही बाला हैगा। तो सुथरे शाह उहदा नाम रख दिता। किन्ने गुण हन सच्चे पातशाह महाराज दे, कोई गिने जाण वाले ही नहीं। कोई साध संगत जी संसार ते जो भी वस्तुआं हन उहनां दी गिणती कीती जा सकदी है। साइंस दे युग ने चंद्रमा ते सूरज दीआं किरणां नूं गिण लिया किन्नियां किरणां हन। विद्वानां ने भी गिणिया है। सूरज तों बाद इह जिहड़ा समुंदर है इहदा ढिड पेट सारा मिल लिया। बनस्पति जिहड़ी है किन्नी है इह सारी गिणी जा सकदी है। गंगा जिथों पैदा हुंदी है ते जाके समुंदर दे विच लीन हुंदी, तिथों तक लहरां किन्नियां उस दियां उपजदियां इह भी गिणियां जा सकदियां। पर धन मेरे बाजां वाले सच्चे पातशाह जिन्हां दे परवकार कीते होए गिणां नूं साध संगत जी दुनिया दा कोई मनुख गिण ही नहीं सकदा। मेरे साहिब जी दी सोभा बेअंत तों बेअंत है। ऐसे सच्चे पातशाह महाराज कृपा कर रहे हैं दीन दयाल सतगुरु जी, जो अपने चरणों में बैठन का सानू समा दिता। ये भी गुरां दा कि साडे उत्ते बहुत वड्डा परोपकार है। संगत जी गुरां दे परोपकार तो बिना, सतगुरां दी दया तो बिना सतगुरां दे चरण नहीं परसे जाते। गुरां दे चरणों में हाजरी नहीं लगती। जीव तरसते हैं इस अस्थान के दर्शन करने वास्ते। कलगीधर पातशाह महाराज के खुद के श्री मुख वाक वचन हैं। बहादुर शाह ने जब सारा इलाका फतेह कर लिया, गोलकुंडे आदिक तो लैके सतगुरां का डेरा इत्थे ही रहा, वह नहीं नाल अगे गए, वापस परतिया। कहन लगा सच्चे पातशाह महाराज तुहाडी कृपा सदका सारे मोर्चे फतेह हो गए है, सब ने ईन मन ली है। आप कृपा करो हुण वापस आपां मदर देश नूं चलीए। बाबा जी चुप कीते रहो, की करदे तुसी, रौला ही पै जांदे ज्यों दे बैठे। गरीब नवाज कहण लगे बादशाह असीं तां इत्थे ही रहांगे। सतगुरां नूं जिस वेले ये उत्तर सुनिया तो बहादुर शाह कहन लगा महाराज इत्थे की है, पत्थरां नूं बनण वाले पूजण वाले लोग है, पत्थर ते ही बैल बना लेंदे है, पत्थर ते ही शिवजी बना लेंदे है, पत्थर दा ही शिवलिंग बना लेंदे, उहनूं ही मत्था टेकी जांदे है। तुहाडा इत्थे कोई सिख सेवक तो है नहीं जिहदे कोल तुसां ने रहना है। ये गुरबिलास पातशाह ही दसवीं भाई सुखा सिंह जी तख्त श्री केसगढ़ साहब जी दे ज्ञानी सिंह जी होए है ग्रंथी सिंह, उन्होंने ये जिहड़ा गुरबिलास लिखिया उहदे विच वचन आउंदे है। ते सतगुरु कहण लगे सी बहादुर शाह असीं इत्थे किसे नूं सिख बनाउण नहीं आए होए, ये जुगां जुगां दी साडी तपो भूमि है, असीं ते आप इस धरती दे सिख हाँ। ये वचन सच्चे पातशाह महाराज ने कीते सी। एडा वड्डा महान ये स्थान है साध संगत जी, गुरां ने भी इहनूं मत्था टेकिया।
इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार करके सतगुरां ने सारी सृष्टि नूं समुची मनुखता नूं सांझे गुरु बख्शिश कीते सी। इत्थों दे अस्थान दी, इत्थों दे किणके जरे जरे दी जिन्नी भी उपां वडियाई कीती जावे, इत्थों दे गुरसिखां दी ओनी थोड़ी है। सो आप भागां वाले हो जो दर्शन करके आनंद की प्राप्ति कर रहे हो, नितनेम की मर्यादा अनुसार सतगुरां दे साजे नवाजे सिंह साहिब जी ने देगां दे भोग सच्चे पातशाह महाराज नूं रवाए है। उपरंत पिछले पैर दे दीवाना विच जो गुर इतिहास की कथा विचार गुरु की संगत नूं सरवण करवाई जाती है, उसकी आरंभता हो रही है। धन श्री गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज, आप नारायण कला धार जगमह परवरियो, आ निरंजन है गुरु नानक धार के मूर्त है जग आयो। लोग सुनियो, परलोक सुनियो, बिरदलोक सुनियो, सब दर्शन जिन्हां ने भी सुनिया गुरु प्रगट होए नठे आए दर्शन करने वास्ते। ऐसे श्री गुरु नानक पातशाह महाराज एक मनुख जिहड़ा है वह पूरा हो जाता है तो उहदियां पूर्णताइयां का अंत नहीं आउंदा। लोग गिण बैठ जाते हैं इन्हें आह भला किया, आह चंगा कर्म किया, आह इहदे विच गुण सन। तो जिस रब ने सारी कायनात बनाई होवे, जल बनाए होण, जल दे किनारे धरती बनाई होवे, धरती दे उत्ते स्वर्ग वर्गे टुकड़े बनाए होण जिथे कोई फलां ते फुलां दा अंत ना आवे, बड़े बड़े झरने चश्मे ओदी बनाई हुई वडियाई शोभा दा अंत ना पाया जावे, उस रब दी शोभा कौन की कर सकदा है। श्री गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप खुदाई स्वरूप हन। हदीस दे विच भी लिखिया होया है मुहम्मद साहिब जी ने अपनी उम्मत नूं कहा सीगा कि नानक जी आउणगे ते तुसां सारी मेरी उम्मत ने नानक जी दी ताबेदारी करनी है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आखरे ते जमाना नानक निशाह अल हुक्मे अल उम्मती फिदा आबे, तुसीं अपने आप नूं फिदा कर देना गुरु नानक दे उत्तों। इसे वास्ते जिहड़े सियाणे मुसलमान सीगे जद उन्हां दे भरम दे पर्दे दूर हो गए तो श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं सही खुदा रूप जाण के उन्होंने मन्निया सेविया। जद सतगुरां ने संसारक यात्रा संपूर्ण कीती, शरीर दा जोड़ा त्यागिया, उस वेले मुसलमान अपना खुदा जाण के गुरु नानक पातशाह नूं सपुरदे खाक करना चाहुंदे सी, दफनाउणा चाहुंदे सीगे। हिंदू अपना रब जाण के संस्कार करना चाहुंदे ते गुरु नानक पातशाह महाराज ने देखिया झगड़ा साढ़े शरीर का पै गया है, दो कौमां लड़के मरन गिया सी, सारी उम्र शांति का उपदेश दिता है, उस वेले शरीर अलोप कर लिया महाराज ने। वो जिहड़ा चादरा उपर पाया होया सीगा उही रह गया, कोई अद्धा मुसलमान वीरां ने लैके पाड़ के ते मृतक संस्कार दे सारे क्रियाकर्म कीता धरती विच दफनाउण दा। अद्धा चादरा लैके हिंदू वीरां ने लकड़ां दे विच चिणके उहदा संस्कार कीता। इह प्यार है गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज दा। इन्ना तो साध संगत जी जीव रब ते भी भरोसा नहीं करता, कई बार इह जिहियां अणहोणियां गल्लां हो जांदियां है, घर दे विच जवान मौत हो जानी, कोई हादसा इह जिहा हो जाना, कोई चोरी यारी ठगी आदक का पहरा वरत जाना, भाणा वरत जाना, तो यह जीव रब नूं ही मेहणे ताने कर लग पैंदा है। धन गुरु नानक पातशाह सारिआं नूं प्रसन्नता वंडी, खुशियां वंडियां, प्यार दिता, गल नूं लाया, कोड़े पिंगलियां नूं भी गल नूं लाया। वह कोड़ी जिन्हां नूं लोकां ने घरवालिआं ने धक्का देता सी, उन्हां कोड़िआं नूं महाराज ने गल नाल ला के तंदरुस्तियां बख्शियां। सो ऐसे गुरु नानक पातशाह महाराज की कथा साध संगत जी चल रही है।
कल आप जी ने सरवण किया सीगा, मेरे साहब जी एवनाबाद विच गए है, उत्थे जो बाणा वरत्या साधुआं दी बेअदबी होई, ते आउण वाला भविखत श्री गुरु नानक पातशाह ने यह नहीं कहा कि इन्हां साधुआं दी बेअदबी होई तां मैं श्राप दिंदा इन्हां नाल इह होवेगा। सच्चे पातशाह ते कहण लगे सी भाई लालो ये भाणा इन्हां ते वरतना है क्योंकि होमे इन्हां विच बाली ज़्यादी आ गई है। गुरबाणी दे भी ये आधार है, आसरा है, हुक्म है, फरमान है, ते आम मनुखां दा भी ये तत् कढ़िया होया है कि अत तत् दा वैर हुंदा है। जदों मनुख आपे नूं भुल जावे, बहुता होमे विच चला जावे, ते फिर रब उहदे तों बदले लैंदा है। सो इस वास्ते एवनाबाद दे वासियां नाल ये जो भाणा बीतना सी वह सच्चे पातशाह ने कह छड़ाया भाई लालो जी नूं, वह भाणा वरत्या जो जो हुक्म होया सी कि सारे शहर दे विच मास ही मास खिलरिया पवेगा और इस तरह खून ही खून भरिया होवेगा और इस्त्रियां पत वालियां दी पत लुटी जावेगी, किसे दा माण मत्थे ते नहीं रह जावेगा, सब दा माण टुट जावेगा। और बाबर बाणी सारे जगह ते बाबर आ गया, लोग सुतियां भी बुरड़ा के उठणगे, ओ बाबर आ गया, बाबर आ गया, इह जा भाणा वरतूगा। ओ होया ते बाबर ने जेड़े मनुख मर गए, बाकी जो बच गए इस्त्रियां बच्चे आदक, उन्हां नूं कैद करवा लिया, चक्कियां अगे रख दित्तियां अपनी फौज दा आटा पीसण वास्ते। उपरंत सतगुरु जी भी गिरफ्तार हो के उस जेल विच गए, आरजी जो बनी हुई सी साहिबां दे अगे भी चक्की रख दित्ती, भाई बाला साहब जी, भाई मरदाना जी दे अगे भी एक एक चक्की रख दित्ती। सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज दे अगे जिहड़ी चक्की रखी सीगी ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੱਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਰੋ ਪਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਥੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿੜਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਲੂਣੀ ਸੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੱਕੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਝੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੇੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਧੂਕੜੀ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗੇੜ ਗੇੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇਖੋ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਲਹੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਅਨਾਥਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਰ ਨਠਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਣ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ
जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर। तो ये सारा शब्द सच्चे पातशाह ने बाबर कहन लगा सीगा, महाराज मेरी गैर भाषा है, कृपा करो इहदा भाव की बनता है, मैनू भाव अर्थ इहदा समझाओ। गरीब नवाज पातशाह महाराज उसनू शब्द के अर्थ भाव समझा रहे है। वैसे तो सतगुरां ने जिनी भी बाणी उचारी है, जिथे जिहड़े मुल्क विच जाके उचारी, जिन्हां लोकां विच उचारी, उही भाषा आम करके सच्चे पातशाह ने वरती है। ये भी कोई एडा औखा शब्द नहीं है, जो बीतिया है उही सारा इन बिन बाबर नूं सच्चे पातशाह महाराज दस रहे हैं। इत्थों ही इतिहास की संगत जी अगे आरंभता हो रही है। मन बिरतियां नूं एकागर करके धन गुरु नानक पातशाह महाराज जिन्हां ने यह जे दुखदाई भयदायक समय नूं चित्र के साडी झोली विच खजाना पाया, मनुखो किते भुल ना जायो, इवना बाद दे पठाणा वांगू किते रब नूं ना भुला दिओ। उहनूं विसरन दे नाल सारे ही दुख आउंदे नेगे, ते जो चित रहिंदा है ते इस मनुख नूं कोई दुख नहीं आउंदा है। इतिहादक सच्चे पातशाह महाराज ने यह सारी कृपा की है, जो मेहर सतगुरु कर रहे है उस बख्शिश नूं सरदा भावना दे नाल कन्ना रूप डोनिया दे नाल हिरदे विच पचौणा करिए, सरवण करना करिए जी। सतनाम श्रे वाहे गुरु जे चौपाए परते मारे बेच लराए। सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे, अज इन्हां इस्त्रियां दी बेपती हो रही है, इन्हां दे घरां वाले मर्द जिहड़े उहदे लड़ाई विच मारे गए है। सासन दे कै बांध चलाए, ते तुसी इन्हां नूं सासना दे के ताड़ना दे दे के मुश्कां बन के अगे ला के लई जा रहे हो। लोचन बहुत बिमोचत बारे, इन्हां दीआं अखां दे विचों पाणी दा देखो किवें वह रहा है, घर उजड़ के बर्बादी हो गई सारी, ताड़ना दे दे के कुट कुट के मार मार के बाल पुट पुट के, ते इन्हां तों धन कढाया तुसीं, भी दसो किथे नप्पिया होया तुहाडे खसमां ने माया धन, ते सारा इन्हां दा घर भी लुट लिया, धन दौलत जिहड़ा सी उह अपने कब्जे विच कर लिया, ते हुण इन्हां दी बेबती करदे होए मुश्कां बन के इन्हां नूं लै के अगे तुर पए, बेचारियां रोंदियां झलियां नहीं जा रहियां। अशरों गिरा युत कजल कारे, इन्हां दा जिहड़ा सुरमा पाया होया उह आंसुआं दे नाल बहिंदा जा रिहा है। कुकत है रोवत दुख पाए, ये रो रही हैं बेचारियां दुख भोग भोग के। ये राजे सी, ये भी इस देश दे इस शहर दे मालक सी के, इन्हां दा सारा कुछ उजड़ गया, वो उजड़े हुए नूं वेख के त्या तेरे सिपाहियां दी कुट नूं देख के बेपती नूं देख के रोंदियां जा रहियां, धाहां मारदियां होईयां। नह को शाकत ना तिनह छुड़ाए, किसे विच कोई शक्ति नहीं है, ना तो इन्हां बेचारियां विच है, ये तेरी फौज पासों छुट जाण, ते ना कोई दूसरी होर इह जी शक्ति है जिहड़ा इन्हां नूं छुड़ा सके। आ गए जे चेतयो नह नामो, इन्हां ने नाम सिमरन भजन जिहड़ा वह नहीं किया है, तो अब समा पयो दुख तामो। सच्चे पातशाह कहन लगे, बाबर जे किते शुरू तो रब नूं याद रख दियां, परमेश्वर दे भय विच रहिंदियां, ते इह जिहा दुख दा समा कानू आउणा सी इन्हां दे उत्ते। काम परे ते सिमरिए ऐसा सिमरो नित, बिपता पैण ते जी बड़ा उच्ची उच्ची माला घमाउणे आ, वाहिगुरू वाहिगुरू, भावें साह दी लड़ी टुट जावे ने जोर दी, वाहिगुरू नूं धमकड़े पा लैंदे कई तां, जिवें कईआं नूं भूत नहीं चिंबड़े हुंदे, नाल ही भुड़की जाणगे सिर मार मार के, फिर बड़ा वाहिगुरू चेते आउंदा है। ते जे पहलां उस वाहिगुरू नूं हिरदे विच ही वसा के रखो, जिथे पाणी होवे अग नहीं पौंदी साध संगत जी, जंगल नूं अग लगदी है ना, जिहड़े जीव जंगल दे विच दी बहिंदी नदी दे विच जाके खलो जांदे आ, किनारे दा भी आसरा लै लैंदे, उहनां नूं अग दा सेक नहीं पैंदा है। अमृत गुरु का शब्द, अमृत सिमरन, अमृत सेवा गुरु की जिहड़े करदे
उन्होंने फिर दुखां की अग साड़ी नहीं पाँदी नहीं है। महाराज कहन लगे जे कि इन्होंने पहला चेतिया हुंदा सिमरन भजन रब का नाम दिल दिल में दया वसाई होंगी गरीबों दुख ना दिंदियां ना दुख दिंदियां नूं देखदियां अज इन्हों दुख ना भोगना पैंदा। जे सिमरहि अग्रज करतारा ते जे पहला ही करते पुरख वाहिगुरु नूं याद कीता हुंदा क्यों हो वह इस बेद दुख पारा ते फिर इस तरह का दुख इन्हों क्यों भोगना पैंदा। आज जो इन्हों की हालत हो रही हालत नहीं सी इन्हों की होनी जे पहला वाहिगुरु नूं याद रख दिया। हवे अमीर उमरे जे वजीरंग चाहे कोई भी है उमराव है चाहे वह वजीर है चाहे अमीर है धन दौलत बहुत है जिन्हां दे पास बिसर गए प्रभ गुने गहिरंग इन्हां सारिया ने कोई एक भी यह जहा नहीं सी जिन्हों वाहिगुरु चेते आउंदा होवे ओ माया दे चोचलियां विच परमेश्वर नूं भुल गए सी वजीरां नूं भी भुल गया रब खुदा शहजादियां नूं भुल गया राजे नूं भुल गया ते इस प्रकार दौलतवान जिहड़े मायाधारी सी ओह भी रब नूं भुल गए। चित मह चाहत रंग तमाशे इन्हां दा ते चित रब च किथे लगना सी इन्हां दा मन ते लगा होया सी रंग तमाशियां दे विच आ जिहड़ियां बेइज्जती कराउण दियां वाल पटाउंदियां चपेड़ां खांदियां बद्धियां होईयां तुरियां जांदियां ते पक्के पकवान बड़ा चाव दे नाल तैयार करदियां सीगियां भी वाहवा होगी भी फलाने की बहु बेगम जिहड़ी है उन्हों बहुत सोहना सलूणा बनाउणा आउंदा है ते इस तरह बड़े पकवान बनाउणे आउंदे आ उह ते इसे सोभा विच मरी होई बनाई जांदी सीगी ते आ जिहड़े मरे पए आ लोथां रुलदियां फिरदियां कां गलियां खांदे फिरदे गए ये उन्हां पदार्थां नूं खा के ते रंग तमाशियां दे विच लगे कंजरियां नचाउणियां कुकर्म भोगने यही जे कर्म करिया करते फल इन्हों प्राप्त हो रहा है। बेबेध बेधन के बिलस बिलासे अनेक प्रकार के बिलास भोग दे करते सन यह अब तिन के गात होए ऐसे हुण इन्हां दी गात ए हो रही है वह कुकर्म करन करके जाए बिलो के ना है ना जैसे सच्चे पातशाह कहिंदे जो इन्हां दे नाल हो रहा है ना ओ बाबर ना तो असी कि अज तो पहला देखिया ना कभी सुनिया पहला बार असी यह सारा कौतक देख रहे जो इन्हां दे नाल हो रहा है। बाबर तेरे फिरे दोहाए महाराज कहन लगे बाबर भी तू तो तगड़ा है बड़ा हर जगह ते तेरा ही नाम लई जांदे लोग आ बाबर आ गया वह बाबर पै गया बस बाबर ही बाबर हो रही चार्ज फेरे तुरन पूरब सफा उठाए ते तू तो सफा ही चक दी इन्हां दी झट पाटी बहुता समा भी नहीं लगा है आ जिहड़े एमनाबाद दे पठान सी जिहड़े समझदे नहीं सी भी कदी रात साडे घर विच्चे भी पऊगी हनेरा होवेगा झटां पटां दे विच ही सफा उठा दित्ती सब मार दित्ते भजा दित्ते ते कुछ इन्हां दे घर लुट ले ढा ते तोड़ दित्ते आदिक तिन के बड़े मुसाहब जोए इन्हां दे बड़े बड़े जिहड़े मुंशी मुसाहब हिसाब किताब करन वाले नह भोजन अब प्राप्त होए सारे भुखे मर रहे है और रंग बिरंगे पदार्थ छकन वाले नाना प्रकार दे रुखी रोटी भी नहीं होना ना लभदी भुख दे नाल मर रहे है ओ पूजा करन निवाज सो जिन के जिन्हां ने नितनेम अपना बनाया होया सी के पांच नमाजा करनिया गईया दिन दे विच ए सारिया तो पहली नमाज अमृत वेड़े लो लगन तो पहला पहला कर लेंदे उन्हों कहिंदे फजर दी नमाज जौहर दी असर दी मगरब दी ते इशा दी ए पांच नमाजा पढ़ते हैं मुसलमान कहिंदे इन्हां दा नियम बनिया होया सी पांच नमाजा पढ़न दा हुण नमाज किहड़ा एक कहावत है कहिंदे जुतियां दी मारी नूं नमाज ही भुल गई नमाज कित्थों पढ़नी है डंडा पै रहा उस तो बाबर दा फौज दा तेरी दा ओ नमाजियां नूं नमाजां भुल गईयां आ जिहड़े ब्राह्मण पूजा करदे सी तीन तीन टाइम मंदरां विच जाके टल्लियां खड़काउंदे इन्हां नूं पूजा भुल गई तेरियां जुतियां तों डरदियां होयां नूं डंडे तों डरदियां होयां नूं जात समाटार होत ना तिनके सो इन्हां दा कोई नहीं भी किहड़ी जात सी कोई जात दा हुण बंधन नहीं रह गया नहीं तो पहला बड़ा जात पात दा नाल रहिंदा सी फलानी जात दा नूं चुल्हे ते नहीं चढ़न देना चौंके ते नहीं आउण देना दा परछावां नहीं लैणा आदिक
हिंदने अंगना पकड़े सोए या हिंदुवाणियां जड़ियां हन ये भी पकड़ के ले आंदियां हन मजात तिलक लगावत जोए ये भी बड़े तमाशे कर दियां सवेरे तड़के उठना ते चंगी तरह नहा के ते मुड़ के टिक्के लाउणे रंग बिरंगे मथे दे विच ये अड्डो अड इन्हां दे टिक्कियां दा हिसाब है सो रहो विचार आपां इस पासे ना जाइए किहड़े किहड़े नाल संबंधित हन उस तरह के टिक्के अलग अलग तरह के लाते केंद्र महाराज कह लगे तड़कियों ही नहा के टिक्के ला के बह जांदियां सन चौंके मह भोजन को खाते फिर चौंका पा के ना सुच पवित्रता दे नाल भोजन तैयार करवा के फिर खाया कर दियां सी इह करे कैद वैसे इस भांते सारियां कैद कीतियां होईयां इस तरह तेरे इत्थे कैद खाने विच बैठियां हन हाथ ना आवत अब है आहारा हुण इन्हां नूं भोजन कित्थों लभदा है ना कोई चौंका पाउण वाला चौंके तों बिना भी ना तुरकदा ना किसी नीच जाति दे हाथ दा पकाया होया ओ भी नहीं लभदा इन्हां नूं भुखियां मर रहियां हन प्रशादे तो बिना रोटी तो बिना रोवात उचे करहि पुकारा उची उची रोंदियां फरियादां करदियां भी सानूं छड्ड दिओ सानूं दुख ना देवो सानूं रोटी देवो इह जिहा रौला पा रहियां हन घर जाण दिओ राम ना सिमरियो कब मन माहे सच्चे पातशाह कहण लगे इह ओ इस्त्रियां ने जिन्हां नूं हिरदे विच राम भुलिया होया सी परमेश्वर दा नाम भुलिया होया सी नाम नूं ना जपण कर गया जिन्हां दी हालत हो रही है कहन खुदाए मिलह अब नाहे ते हुण ते खुदा कहण दा भी टाइम नहीं हुण खुदा कित्थों कहण इक दे ढिड्डों भुखियां ते नाल अब चक्कियां अगे रखियां वड्डियां वड्डियां दाणियां दे बठल बाटे भर भर के रखे पीसण नूं खुदा कित्थों कहण खुदा कहण दा टाइम ही नहीं मिलदा इन्हां नूं आवै दुख सुख बोझत कोई ते इस तरह जे कोई आउंदा है इन्हां दे पास ते पुछदा है इन्हां नूं दुख सुख ते इह अगों उस नूं पुछदियां भी साडी ते हालत तैनूं दिसणी दई आ तूं दस भाई तेरे नाल की बीतिया है के तेक मृतु पए तिन रोई इस तरह कई दुख सुख पुछदे कईयां दे मर गए ते जे कोई उहनां नूं पुछदा भाई तुहाडा कित्थे है ओ पुछण वाले दे पुछण दी देर है अंदरों फट जांदे आ सारे फट सीते होए मरियां नूं याद करके दुबारा फिर जिवें कोई ताज़ा ही मरिया हुंदा है इस तरह मरिया नूं याद करके उची उची रोंदियां हन दुहाइयां दे दे के जो बेद वाहे गुरु को पाव है सच्चे पातशाह महाराज कहण लगे बाबर ना तो तेरे वस है ना कोई साडे वस है जो वाहेगुरु नूं चंगा लगता निरंकार नूं भला लगता है सो तत छेन करतार बनावे ओ करता पुरख वाहेगुरु झटपट ओ बहाने बना लैंदा है नह मानुख के काश कर माहे ते मनुख दे हाथ विच कुछ भी नहीं है बंदे दे हाथ विच की है बंदा ते आप गुलाम है स्वतंत्र नहीं है ये मनुख जीव जिहड़ा पतंत्र है परमेश्वर दे अधीन है यह जीव जिवें चलावै तिवें चलाहे जिवें करता पुरख वाहिगुरु जीवां नूं चलाउंदा तिवें चलदे हन सुन बाबर श्री मुख ते बानी ये बाबर ने सच्चे पातशाह महाराज दे वचन सुने शरदा आदिक हृदय मह ठाने शरदा ते पहला भी कोई घट नहीं सी बाबर दे महाराज दे वचन सुन के होर श्रद्धावान हो गया बाबर कलावान मन लखे विशाला मन ने जान लिया ये बड़े शक्ति वाले हन बंधन कर बोलियो तह काला सच्चे पातशाह महाराज नमस्कार कीती बाबर ने उपरंत बेनती कीती करामात मुझको देख लावो हजूर सच्चे पातशाह कृपा करो कोई करामात दिखाओ मैनू कहते कि शक्त है सर्व बतावो महाराज किन्नियां कि शक्तियां दे तुसी मालक हो ओ शक्तियां मैनू दसो विखाओ तुम खुदाए के अधिक प्यारे क्योंकि तुसी रब दे बाले प्यारे हो सच्चे पातशाह जी किदा खुदाए आप तन तारे कहण लगा मैं तां ऐं देखदा खुदा दे प्यारे नहीं हो बंदगी वाले नहीं तुसी खुद ही खुदा हो आप ही रब हो मात लोग ते आए हुए सुन कर बोले कृपा सहत हैं ये बचन सच्चे पातशाह महाराज ने सुने बाबर दे अगों कहन लगे
करामात को कहर कहते हैं। बाबर साड़ी भाषा दे विच साड़ी बोली दे विच जे कोई करामात करके विखाउणी है तो उहदा नाम है कहर। कहर असी नहीं कर सकते, रब दे शरीक नहीं असी बन सकते। करामात दिखाउणा रब दे शरीक बनना हुंदा है, उहदे हुक्म नूं टालणा। जा चले हो जो हवा चित चाहे। नवाज कहन लगे असी करामात कोई नहीं दिखाउणी, साड़ी कोई करामात है पर तू मंग ला जो तेनू चाहिए वो असी तेनू दे देवांगे। स्थिर कर मन डोला हो नाहे। जेड़ा तेरा मन है ना इनू थिर रख, डला ना इनू तगड़ा रख हिरदे आपदे नू। बाबर केर हो तो बड़ भागा। सो बड़ भागा सी बड़िया भागा वाला साध संगत जी बाबर, एवें गुरां दा मेल मिलाप नहीं हुंदा। सुन कै बचन चरण अनुरागा। ये बचन सच्चे पातशाह महाराज दे सुने बाबर ने, चढ़ देनी गुरां दे चरणा ते टह पिया बाबर। प्रेम खुदा ए मगन मन जाने। सच्चे पातशाह ने जानिया भी ये रब नू मनन वाला है, रबी बंदा है। यां ते पेट भंग के आने। ते बाबर ने भी देखिया भी ये रब हन खुदाई बंदे है। ते उन्हां समयां दे विच एक रिवाज सीगा भी हिंदुस्तान दे जिहड़े साधु हन ये ज़्यादा तौर पर भंग दा सेवन करदे है, क्योंकि पुरातन मानता जिहड़ी है वह शिवजी दी चली आउंदी ते शिवां दे सारे अस्थानां ते भंग घोट के जिहड़ी वह पुलाई पीती जांदी सीगी। इस वास्ते एक ये धारणा बनी हुई सी बाहरले लोकां दी भी हिंदुस्तान दे जिहड़े फकीर हन वह भंग दा सेवन करदे है। इस वास्ते ये बाबर अपने झोले दे विच भंग पा के नाल लैके आया। बेपरवाह लखे दरवेशा। ते जाणिया इसने भी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बेपरवाह हन। दरब लोभ जिन के नह लेशा। क्योंकि माया दी ते इन्हां नूं कोई इच्छा ही नहीं है। तरे गुरु के जब है अगारे। ओह भंग दा देग दा भरिया होया झोला सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज नूं भेटा कर दिता। तेह बिलोक कै गिरा उचारे। ये देख के सच्चे पातशाह महाराज जी कहन लगे। तिलंग मोहला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चेत मैं देवाना पया अतीत। कर का सा दर्शन के पोख मैं दर मांगो नीता नीत। तव दर्शन के करो समाए मैं दर मांग दे भिखिया पाए रहाओ। केसर कुसम मृग मैं रहना सर्व शरीरे चढ़ना। चंदन भगता जोत इने ही सर्वे परमल करना। कह पट भांडा कह न कोए ऐसा भगत वरन मह होए। तेरे नाम निवे रह लिवलाए नानक तिन दर पिखिया पाए। सो संगत जी ये शब्द सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने बाबर दे देग भेट करन ते उचारिया सी भी असी ये प्रतख सरूप दे विच ये देग नहीं छकदे। असां जिहड़ी छकी हुई इह जी जिहड़ी दिने रात तरारा जी दा उतरदा नहीं है। इत्थे एक विचार होर भी आउंदा है, प्राचीन पंथ प्रकाश दे करता ज्ञानी रतन सिंह जी भंगू ओ कुछ इतिहास नू पुरातन चली आउंदी परंपरा अनुसार रीति अनुसार सुनाउंदे। कहिंदे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज सुल्तानपुर साहब अपने भैण जी दे पास रहिंदे सी, क्योंकि पिता बार बार सतगुरां नूं तंग करदे मन खट्टू है इन्हें घर दा बेड़ा गर्क कर दिता सारा कुछ मेरा डोब दिता रोड़ दिता लुटा दिता यही रटी जांदे। भैण जी गए तो जाके सतगुरां नूं अपने नाल सुल्तानपुर साहब लै आए। दौलत खान नवाब सीगा सुल्तानपुर साहब दा सतगुरां दा चरण सेवक हो गया, उहदा ही मोदी खाना सीगा जिथे सच्चे पातशाह महाराज ये किरत करनी आरंभ कीती है। इन्ना प्यार हो गया गुरां नूं घरे भी लैके जाना सेवा करनी। एक दिन घर लैके गया
ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਸੀਗੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਬੇਗਮਾਂ ਦੋ ਬੱਚਾ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਠਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਚਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਬਲੀਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਮੇਤ ਫੌਜਾਂ ਦੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭੰਗ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭੰਗ ਲਿਆਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਸੱਤ ਮੁੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੇਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਢੁੱਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
सतगुरां ने पंजवें पातशाह ने अपना सीस भेट किया, इस तरह अठवें सतगुरु, नौवें सतगुरु, फिर अगे साहबान जी के चारे साहबजादे, माता जी आदिक, तो ये सत शहादत महान, उस तरह के शहादत का अंत ही कोई नहीं रहा। बीबी वीरो जी के पंज साहबजादे सी, ते धन कलगीधर पातशाह महाराज उन्हां नूं प्यार नाल क्या करदे सी, ये साडी भूआ दे पुत्र जिहड़े है पंज पांडव है, जीतमल जी, संगो शाह जी आदिक भगाणी दे जंग विच शहीद होए सीगे। पहला जिहड़ा महाराज ने यह आरंभ किया है कुरक्षेत्र का जंग, हिसाब नाल भगाणी का जंग, खालसे का तो कुरक्षेत्र ही है पहली आरंभता जंग की उत्थों होई, उस वेले अजे सिंह भी नहीं सी सजे। सो दया राम पुरोहित ते हयात खान वर्गिया नूं मारन वाले ओ कृपाल चंद जी साधु, जिन्हां नूं पता ही नहीं लड़ना किवें आ, देग पाणी छक के आनंद रहण वाले। सो इस तरह शहादतां दा नहीं कोई अंत, किन्नियां खालसे दीयां शहादतां होईयां, अजे किहड़ा मुक गया गा, लैण लगी जांदी है, अज तक शहादतां ही दिंदा आया है खालसा पंथ। सो पंथ प्रकाश प्राचीन दे विच लिखिया है कि इस ढंग दे नाल बाबर जिहड़ा गुरु नानक पातशाह दे भय विच रह के हिंदुस्तान ते आया, ना कि निरभय हो के। कुछ लोगों का यह भी विचार है कि यह जिहड़ा शब्द सतगुरां ने उचारिया सी, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, ये सतगुरां ने पहला जिहड़ा वचन किया होया सीगा दौलत खां दे नाल कि तू बाबर नूं लै के आ, तो उस हिसाब नाल सतगुरां ने यह शब्द उच्चारण किया। वह करन कारण समर्थ हन साध संग जी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, जलते थल कर थल ते कूआ, कूब ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश करावै, भिखारी ते राज करावै, राजा ते भिखारी, खल मूर्ख ते पंडित कर वो पंडित ते मुख, वह गरीबन वाज समर्थ हन, उन्हां वास्ते कुछ किंतु कुछ परंतु करना यह शोभ दा नहीं है। जो उन्हें चाहिया वह होया, जो करना चाहते सी वह सच्चे पातशाह ने किया, ये कोई किंतु नहीं करना चाहिदा। जे मत भ्रिष्ट ना होंदी दिल्ली दरबार की, बुद्धि भ्रिष्ट ना होंदी एमनाबाद वालियां दी, जुल्म ना करदे ते ना हिंदुस्तान गुलामी वाले पासे नूं जांदा, पठाणा दा राज ना खत्म होंदा, मुगल ना आउंदे। रहो विचार, जो होना सी सो होया, गुरु नानक पातशाह ने कृपा की, किनू राज देना कि तो खोना है, ये सारे सिरों पाओ गुरु नानक साहब जी दे हाथ विच, जिहदे गल चों मर्जी कढ लैण, जिहदे मर्जी पा देण, ये सारियां रहमतां गुरु नानक साहब जी दे कर कमलां विच वसदियां हन। ये शब्द उचारण किया महाराज ने भई सानू ते आ भंग दा नशा चढ़िया होया, जिहड़ा दिने रात उतरदा नहीं है। दोहरा इस विद सुन बाबर तब बंधन किए कर बंद, ये वचन सच्चे पातशाह महाराज दे सुने बाबर ने, गरीब नवाज सतगुरां दे चरणां ते ढह पिया बाबर, नमस्कार कीते, बोलियो देन विशाल हवै अवलोकत सुख कांद, हे सच्चे पातशाह महाराज मेरे ते कृपा रखियो, ये जिहड़ा मैं हुण हिंदुस्तान दे विच आया है, तुसां ने मेरी झोली विच इत्थों दा राज पाया है, ये राज भाग मेरा महाराज वधे फुले, ये मेरे उपर कृपा करो। चाओ पाई मैं जाने अब निश्चय कर कै, सच्चे पातशाह मैनू पक्का भरोसा है आप जी दे उपर, तुम खुदाए बिचरत तन धर कै, तुसी खुदा हो रब हो, मनुखी जामा धारण करके संसार नू तार रहे हो, दे जाए बार मोको अब ऐसे, गरीब नवाज कृपा करो मैनू बार इस तरह का दे देवो, जाग पातशाह हुआ मैं जैसे, जी दे वर दे नाल मैं महाराज विशाल हिंदुस्तान का बादशाह बन जावा, कुरसे अपार व कुरसे ताई, ते नाल महाराज मैं ही ना बना कुर्सी बा कुर्सी, पोष्ट दर पोष्ट, भोग है पातशाह सुख पाए, आप मेरी औलाद भी अगे बादशाह बने, सुख माने हिंदुस्तान दा राज प्राप्त करके, चार पदार्थ तुम कर माहे, महाराज कोई एह जी वस्तु नहीं है जिहड़ी तुहाडे हथ विच ना होवे, धर्म अर्थ काम मोख चारे पदार्थ तुहाडे हथां विच हन, देव हो आप देर कुछ नाहे, ते महाराज जी दे उत्ते प्रसन्न होंदे हो, चट पट अख झमकड़ तो पहला भी उन्होंने बख्शिश कर देने, देरी नहीं करते देन लगे,
महापुरख होए अधिक उदारा। महाराज आप महापुरख हो, महान ओ रब हो, उदार चित हो सच्चे पातशाह महाराज। करहे रंक ते अत सिर दारा। ते तुसी महाराज एहे जे हो, भिखारी होवे, भीख मंग के खान वाला, रूड़ियां ते सौन वाला, ते ओदे ते मेहर दी निकाह कर दियो, झटपट सारी सृष्टि दा राजा बन जावे। निरपते रंक बनावह तू रन। महाराज जेडे हंकारी लोग है, नजर अपट्ठी जे करे सुल्ताना का होकरा इंदा दरमंगन भिखना, यही जे तुसी कर देवो, एक छिन मात्र दे विच चक्रवर्ती बादशाह नू भिखारी बना देवो, कसिहारे बना देवो। इस प्रकार के तुम प्राव पूरन। इस तरह सच्चे पातशाह आप जी परिपूर्ण समर्थ हो। जे प्रसन्नता रावर केरे। जे तुहाड़ियां खुशियां हो जान, रहमता हो जान, मेरा हो जान। पूरन चाहो कामना मेरे। ये महाराज फिर कृपा कर देवो मेरे ते, मेरे मन दी जड़ी इच्छा है ना वो पूरी कर देवो, मैं ते मेरी बंस हिंदुस्तान दा राज दा भाग भोगीए, सुख भोगीए। जो जाचे ओ सोए आप दे जाए। महाराज यही मेरी मांग है, ते कृपा करके मेरी ये मांग पूरी करो। महापुरख जे करुणा के जाए। महाराज दया करो मेरे ऊपर, ये मेरी मांग दान देवो, मैनो दाता देवो, झोली विच पा देवो, हिंदुस्तान दा राज भाग मेरे ते मेरी औलाद दे। दोहरा कृपा दृष्ट अवलोक कै बोलत पे सत पाए। ये वचन जिस वेले बाबर ने बेनती स्वरूप सतगुरां नूं कहे, गरीब नवाज दया दे घर विच आए ते कहन लगे, जाग पत शाहे भोग हो जब लाग करो न्याय। सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे, अच्छा भई बाबर तू मंगिया सी दे रहे, राज भाग तेनू प्राप्त होवेगा, पर कदों तक, जब तक सच दा न्याओ दा राज करोंगे, धर्म दा न्याओ करोंगे, जदों तक न्याओ नहीं करोंगे तदों फिर राज खत्म हो जाएगा, जब तक न्याओ करोंगे सच धर्म दा राज चलाओगे तद तक ये चलेगा, ये महाराज ने वचन किते। चाओ पाए जाव तुमरे कोल न्याय ना होवा है। महाराज कहन लगे, जद पई बाबर तेरी कोल अगे न्याओ करना छड़ देवेगी। पातशाहत सगरे सुख होवे। ओ फिर तुहाड़ी ना बादशाही खत्म हो जाएगी जब न्याओ ना रह जाएगा। देश विदेश जीत बहुत अरने। इस तरह देशां विदेशां दे विच जीत फतेह करके। पुंचा हो राज करह बल करने। ते तू भई राज भोग बाबर, ये असीं बचन तेनू दिन्ने आं। सुन बाबर कर हरख अपारा। ये बचन सच्चे पातशाह महाराज दे सुने ते बाबर बड़ा प्रसन्न होया। पद पंकज बंदा है बहु बारा। अते बार बार सतगुरु गरीब नवाज पातशाह महाराज दे चरणा ते नमस्कारा करन लगा बाबर। निम्रे होए कै बिना बखाने। बड़ी निम्रता दे नाल बेनती कीती। तहन तहन प्रभ सद गुण खाने। ये सच्चे पातशाह महाराज आप धन हो, धन हो गरीब नवाज, धन हो जी। तब सेना के नर सब आए। इनी देर नो जिन्नी भी फौज सीगी बाबर दी सारी चल के आई। दर्श कर है चरणन लपटाए। गुरु नानक पातशाह महाराज दे दर्शन कर लगी फौज, नाल मथा टेक रहे ने सतगुरु गरीब नवाज जी नो। चाह देश फेर पूर ताब होए। चार च फेरे सतगुरां दे भीड़ लग गई लोकां दी। तहाए तहाए आवे है सब कोई। नठे आउंदे आण के सच्चे पातशाह महाराज दे दर्शन कर दे, चरण बरस रहे हन। दोहरा श्री नानक के बार दाए बाबर पा पातशाह। इस तरह साध संगत जी हिंदुस्तान दे विच धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज दीआं रहमतां दा सदका श्री मुख वाग बचन होण ते ओ एक लटेरा मन्निया जांदा हिंदुस्तान दा बादशाह बन गया बाबर। दिल्ली आदक देश ले बिल से सुख जग माहे। आते दिल्ली आदक तो लैके हिंदुस्तान दे बड़े बड़े शहरां दे विच आनंद भोगिया है ओ बाबर ने की दियां रहमतां नाल गुरु नानक साहब जी दियां नाल। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जिन्हां दे दर ते कोई भी रुलदा आ जावे उन्हूं बादशाहियां दे दिंदे, एक नहीं सत सत पुश्तां दियां बादशाहियां दे के नवाज दिंदे। कृपा करन सतगुरु गरीब नवाज, रहमत करन, दया करन,
आपां भी अरदास करिए हे सच्चे पातशाह महाराज, असीं भी रुलदे फिरदे हैं, धक्के खांदे फिरदे हैं, कृपा करो अपने चरणां नाल जोड़ के साडी मनुखी देही नूं भी सफला कर देवो, मेहर कर देवो सच्चे पातशाह, साडे हिरदिआं ते भी अपने नाम की मोहर ला देवो, तुहाडे नाम दे नाल करके सानूं कोई जाण पहचाण बन सके, मिल सके, फुल्लां चुकां दी खिमा अगे तो समत बख्शनी, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाइए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।